गाइज आपके वॉलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और ऑनलाइन नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स को चुराने के लिए जो एप्स दिन रात काम कर रहे थे, रिसेंटली फेसबुक ने ऐसे 400 एप्स की लिस्ट निकाली है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सारे के सारे एप्स गूगल प्ले स्टोर पर 5 रेटिंग के साथ मौजूद हैं। वहीं जब आप इन एप्स को यूज करने के लिए अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो ये एप्स आपको साइन अप या फेसबुक से लॉगिन का ऑप्शन देते हैं, लेकिन आप जैसे ही फेसबुक या ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो वैसे ही आपके पासवर्ड को हैक करने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और इनमें से 42% एप्स फोटो एडिटिंग एप्स हैं। इसके अलावा बिजनेस एप्स, गेमिंग एप्स और लाइफस्टाइल एप्स भी इस लिस्ट में शुमार हैं। सो गाइस अपने मोबाइल में जरा जाके चेक करिए कि कोई ऐप आपके पासवर्ड चोरी तो नहीं कर रहा। इसको जाके फटाफट से अनइंस्टॉल करिए और अपने आप को सिक्योर करिए। गाइज इंडिया यानी कि हमारा देश कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, कुछ ऐसा जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस समय सभी देश अमेरिका के डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कि सरकारें हो या कंपनियां, मार्केट हो या ट्रेड, हर एक काम डॉलर से ही चलता है। यहां तक कि इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में होती है, जिसकी वजह से डॉलर का ऐसा रुतबा बना हुआ है कि उसके सामने दूसरी करेंसीज बेबस नजर आती हैं। लेकिन इंडिया अब इस कहानी को बदलने जा रहा है, जिसके तहत अब वो रशिया से जो भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड करेगा उसकी पेमेंट रुपए में ही होगी। और ये बात सिर्फ रशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत, रूस के अलावा श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया देश, अफ्रीकन देश और तो और लैटिन अमेरिकन देशों से भी इस बारे में बात कर रहा है। यानी एक तरह से इंडिया ने ये तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम कर देना चाहिए और अपने रुपए को मजबूत करना चाहिए। गाइस आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया इसमें कामयाब हो पाएगा और क्या हमारा रुपया भी पूरी दुनिया पे राज कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।